वेलकम टू माय चैनल। ये है मेरा दो तीन दिन पहले का वीडियो है, जब मैं रात को 12 बजे तक अपनी भाभी से बात कर रही थी और मेरी बेटी छिपा करके वीडियो ले रही थी। और ये है मेरा शनिवार के दिन, जिस दिन मेरा जितिया का पारण था। पारण के दिन मैं और ऐसे कुछ भी नहीं ले पाई क्योंकि होश में नहीं थी, मेरा बॉडी काम नहीं कर रहा था व्रत की वजह से, क्योंकि निर्जला ये रहता है। निर्जला के वजह से हमारा दूसरा दिन बहुत ज़्यादा वीकनेस लगता है, सबको लगता है, मेरा ही नहीं हर कोई को लगता है। तो यहाँ मैं जल्दी अपने लिए भी अपने लिए खाना निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे पारण करना था। तो बाकी लोग खाए ना खाए, आज के दिन हमें खाना है। तो सबसे पहले खाना बनाने के बाद, जो कि बहुत आइटम बनाई और बनाने के बाद मैं खाने बैठूंगी, क्योंकि इस बार 10:30 का टाइम निकला था पारण का। तो जल्दी निकाल रही थी कि टाइम पार ना हो जाए, तो टाइम पार होने से भी कोई बात नहीं है, पर मैं निकाल रही थी कि लेट हो चुका था और वीकनेस लग रहा था। थोड़ा दो दाना अगर पेट में जाएगा तो हमारा काम निकलेगा, इसलिए मैं ये देखिए अपने लिए खाना निकाल रही हूँ। ऐसे अभी तक कोई खाया नहीं है, सिर्फ मैं जा रही हूँ खाने, और पकौड़ी निकाल रही हूँ सिर्फ खुद के लिए, क्योंकि धीरे धीरे सबके लिए निकालूँगी। आज है जितिया का पारण। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। 10:30 हो गया क्योंकि अब की बार का लेट हो गया, 10:30 का या 10 बजे का था, जिसको जैसे अपना मानना था अपने तरीका से मान रहा था सब कोई। तो मेरा भी हो गया है 10:30, शायद टाइम नहीं दिखेगा आप लोगों को, लेकिन हो गया है 10:30। 10:30 में मैं बैठी हूँ पारण करने, और पारण हमारे यहाँ ऐसे किया जाता है, जितिया पहनने के बाद ही कुछ खा पी सकते हैं। तो मैं बैठ गई हूँ पारण करने, देखिए मेरे पारण में क्या क्या है वो देखिए। सबसे पहले जो खाऊंगी वो ये है, झिंगनी का सब्जी और मड़ुआ का रोटी। उसके बाद हुआ कढ़ी, चावल, पकौड़ी, और ये हुआ मटर का सब्जी। और बहुत लोग बहुत प्रकार का बनता है, उड़ीसा में भी बहुत लोग घाटा करके बनाते हैं, जिसमें 7 प्रकार का सब्जी पड़ता है। तो हम वो थोड़ा थोड़ा करके हम भी 7 प्रकार का कर देते हैं। तो मेरा इतना प्रकार काफ़ी है और मैं कर नहीं सकूंगी क्योंकि किचन में लगातार रहने की वजह से मुझे उल्टी लगने लगा था, तो मर के मैं नहीं कर पाऊंगी। तो हो गया मेरा पारण स्टार्ट। प्राण नहीं, पारण। आइए आप लोग भी मेरे साथ में पारण कीजिए जितिया का। इधर मत आओ जी। और मड़ुआ का रोटी, और ये है आज मतलब रविवार का सुबह का है, क्योंकि उस दिन ज़्यादा कुछ नहीं ले पाई थी वीकनेस के वजह से, सिर्फ आराम से सो रही थी और नींद भी नहीं आ रहा था। तो ये रविवार का सुबह का, क्योंकि इनको दे दी थी खाना खाने के लिए और ड्यूटी के लिए ले जाने के लिए, और ये अपना रेडी हो रहे थे, और साइड में मैं बेड भी ठीक कर रही थी कि मेरा काम भी होते जाए तो अच्छा है। सुबह से उनका खेल शुरू हो गया, तो सुबह हो रहा है लगभग 7:30 हो रहा है, ये अभी ड्यूटी गए, अभी ड्यूटी निकले हैं, और मेरी क्लीनिंग शुरू हो गई है। और कुछ कुछ आज क्लीनिंग बाकी है, क्योंकि 2 दिनों से मतलब नहाए खाए से लेकर के जितिया पारण, ये 3 दिन, 3 दिन पकड़िए, 3 दिनों से मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई, पूजा पाठ में लगे रह गई तो सफाई नहीं कर पाई। और ये देखिए फिर से चूहा महाराज पकड़े गए हैं, बहुत ज़्यादा चूहा है। इस चूहा के वजह से हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, इसलिए मैं चाहती नहीं हूँ कि थोड़ा भी चांस लूँ। एक मिनट मैं कैमरा सेट कर लूँ, आप लोगों से बात करने में आराम। तो मैं चाहती नहीं कि चूहा हुआ रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हमारा हो चुका था। अभी बीच में जो ड्रेन का काम हमारा चला और उसके वजह से मुझे टाइल्स वगैरह बैठाना पड़ा,
बहुत ज्यादा परेशान हम थे, नाली डेली जाम हो जाता था, तो इन लोगों से के वजह से बहुत ज्यादा परेशान थे। छोड़िए वो लोग का बात, यहाँ इतना सा चाय बचा है मैं पीऊंगी और यहाँ बैठाई हूँ चावल। आज इतना सुबह सुबह मैं खाना बैठा दी, कारण है कि मेरे सासू माँ घूम रही हैं और आटा गुथा हुआ आटा नहीं है, मैं इच्छा नहीं है कि आटा गुथूं, उनको देने से वो चावल खा लेंगी। ऐसे पहले नहीं खाती थी पर आप खा लेती हैं। मेरे यहाँ आज छठ पूजा है, सबको इनवाइट है, ठेकुआ बटा रहा है, आ जाइए सब लोग। आज ठेकुआ बटा रहा है मेरे यहाँ। और चलिए पूछते हैं मेरी सासू माँ से कि आज है क्या। ऐसे रात को बाथरूम तो नहीं, बाथरूम की पर मैं पोलथीन डाली थी, जरी डाली थी, पर आज जैसे भी गीला कर रहा था, मौसम भी बुरी तरीके से खराब है, पानी गिरा दी बेड पे। चलिए पूछते हैं क्या हुआ, क्या हुआ। क्या चीज का प्रसादी का हो छठ का प्रसादी। छठ का प्रसादी आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए। और ये देखिए ये रूम सज गया है, ये रूम अच्छी तरह से सजा ली हूँ, झाड़ू लगाना है। तो ये कहा जाता है ना कि जैसे घर का कोई भी तुरंत निकलता है तो झाड़ू नहीं लगाना चाहिए पोछा, तो मैं थोड़ा सा रुक जा रही हूँ, चाय पी लूँगी, चावल बैठा दी, थोड़ा दो बर्तन है और धो लूँगी, बर्तन धो चुकी पर कड़ाही है जो रगड़ना है, तो उसके बाद झाड़ू लगाऊंगी, कपड़ा एक दो है वो धोऊंगी, आज का बिजी है, फिर भी सारा करके चाहूँगी सोना। ऐसे लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा वीकनेस है और सुस्ती काम चल रहा है, ठीक लग रहा है, वैसा भी बुरा नहीं है पर थोड़ा सा लग रहा है रेस्ट चाहिए, जो कि चूंकि मैं कल सोई हूँ पर पूरी तरह से नींद में नहीं सोई, कोई ना कोई उठा दिया करके, तो थोड़ा सोऊंगी। और रात का नींद मुझे पूरा नहीं होता है क्योंकि मैं सोती हूँ रात को 12:30 में, 12:30 तक सोती हूँ, सुबह उठना पड़ता है, टाइम नहीं मिल पाता है, और बेड पे आते साथ तो बिल्कुल नींद नहीं आता है, शायद आप लोगों में से भी किसी का होता होगा कि बेड पे आते साथ नींद नहीं आता है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करना चाहूँगी क्योंकि वीडियो हो रहा है लंबा और मेरा चेहरा कितना देखिएगा आप लोग बोर हो जाइएगा। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं अगले ब्लॉग पे, आज दिन है रविवार और ये अब भी जाएगा वीडियो, आप लोगों के पास एडिटिंग करके तुरंत डालने वाली हूँ, तो लाइव आएगा, देखिएगा, फुल सपोर्ट कीजिएगा और मेरा हेल्प कीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ।